नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। सर्दियां कई लोगों को बहुत पसंद होती है, या यूं कहें अधिकतर लोगों की पसंदीदा होती है। लेकिन सर्दियों में फैशन पर थोड़ा रोक लग जाता है और खुद को ठंड से बचाने की ज्यादा जरूरत आन पड़ती है। और ठंड से बचने का सबसे अच्छा उपाय है उनके कपड़े, और उन निकलता है भेड़ से। आपको लगता होगा सबसे महंगा उन्हें मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा जीव जिसके शरीर पर दुनिया का सबसे महंगा ऊन मिलता है, और वो जानवर है विकुना, यानी विकुना वल्प। ये जानवर ऊंट जैसा दिखता है, लेकिन होता है छोटे कद का, और रिश्तेदार है लामा जानवर। विकुना के शरीर की ऊंचाई लगभग 1 मीटर होती है। विकुना की एक खास बात यह है कि इनका शरीर सोने की तरह चमकता है, जो इसे बाकी जानवरों से अलग बनाता है। ये जानवर एंडिस पर्वतमाला पर पाए जाते हैं। कहते हैं पहले इस वूल से बने कोट को सोने का कोट कहते थे, जहां 13वीं सदी के प्री कोलंबियन दौरे में इंका के लोग इसे गोल्डन कोट की तरह मानते थे। एक बात यह भी कही जाती है कि इस जानवर के शरीर से वूल निकलने का काम काफी पवित्र माना जाता है, और इस प्रक्रिया को चाकू कहते हैं। सबसे खास बात यह है कि आज भी लोग इस जानवर के शरीर से वूल निकालने के बाद इन्हें मारते नहीं, जबकि इसे वूल निकालने के बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक समय यह भी था जब ये जीव गायब होने के कगार पर था, जब 1530 के दशक तक स्पैनिश लोग इस इलाके में अपना दबदबा जमाने में कायम हो रहे थे, जिसके बाद उन्होंने इसकी चमड़ी और ऊन के लिए इन्हें मारना शुरू कर दिया था। आलम यह हुआ था कि जीव एक समय पर विलुप्त के कगार पर पहुंच गए थे, जिसके बाद साल 1960 तक सिर्फ 6000 विकुना बचे थे, जिसके बाद पेरू सरकार ने इसके शिकार को कानूनी अपराध घोषित कर दिया। और यही वजह है कि आज के वक्त में 2 लाख तक विकुना पेरू के इलाके में पाए जाते हैं। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि इस वूल को काफी फायदेमंद माना जाता है, और इसकी तुलना सिल्क जैसे अनमोल वस्तु से की जाती है। जानकारी के मुताबिक विकुना का 1 किलो वूल 31,000 से लेकर 46,000 रुपए का मिलता है।